हेलो हेलो हेलो। तो जी ये जो रेसिपी है ना, इट कम्स विद अ डिस्क्लेमर। नीचे बहुत फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि इससे अच्छी पनीर बटर मसाले की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। बहुत कम होता है ना, ऐसे मैं बोलता हूँ द बेस्ट पनीर बटर मसाला रेसिपी ऑन द इंटरनेट। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और थोड़ी देर में मिलते हैं एक बड़ी मज़ेदार पनीर बटर मसाले की रेसिपी के साथ। तो जी पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर, बटर और मसाला। देखिए नाम ने ही जो है वो गिव अवे कर दिया कि भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पनीर बटर और मसाला है, लेकिन वो मसाला कैसे बनाना है वही ट्रिक है जी। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको इंटरनेट पे बेस्ट पनीर बटर मसाले की रेसिपी चाहिए तो अब आपको मिलने वाली। पहले तो बाजार जाइए और वहाँ से अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया बढ़िया लालम लाल 6 टमाटर ढूंढ के लाइए। उसके बाद 2 मीडियम या 1 बड़ा 1 छोटा प्याज ढूंढ के लाइए। उसके बाद 1 हरी मिर्च ढूंढ के लाइए, रंग वाली 2 कश्मीरी साबित मिर्च वो ढूंढ के लाइए और बीच से बीज निकाल लीजिए। उसके बाद हर टमाटर पे 3 काजू, यानी कि 3, 6, 18 अदरक 1 इंच और हर 2 टमाटर पे 1 कली लहसुन, यानी कि टोटल ये 3 कली लहसुन। अब बताइए कोई कंफ्यूजन कोई रायता नहीं है ना? ओके, अब मसाला बताता हूं। मसाले के लिए 1 हीप्ड टीस्पून लाल मिर्च, 1 हीप्ड टीस्पून धनिया, 2 चुटकी हल्दी। अब मसाले में 1, 2, 3 बड़े चम्मच दही, 6 टमाटर तो 3 बड़े चम्मच दही ये मिला लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर 1, 2, 3 छोटे छोटे क्यूब मक्खन के डाल लीजिए। मिलाने ज़रूरी नहीं है, डाल के रख लीजिए। तो जी मोटा मोटी ये है कहानी, ठीक है जी, ये समझ लो आप। और ये बस बन गया पनीर बटर मसाला। चिकन टिक्का मसाला भाई, उसको लंदन में चिकन टिक्का मसाला ही बोलते हैं, हमारा बटर चिकन उनका चिकन टिक्का मसाला। और पनीर बटर मसाला, ये जो 2 डिशेज हैं ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। हिंदुस्तान के बाहर अभी जो करे माँ ना प्यो ओ करे देसी क्यों। अब पनीर मखनी और पनीर बटर मसाला में जो एसेंशियल डिफरेंस है वो ये प्याज की क्वांटिटी है, और हमारा वाला जो पनीर बटर मसाला है उसमें एक और एसेंशियल डिफरेंस है कि उसमें दूसरा तड़का लगता है, बड़े मज़े का तड़का लगता है। वो तो मैंने बताया नहीं, देखा अभी कोई स्किप नहीं करेगा, ये सब छोड़ के सीधा लास्ट में पहुंच गए कि रणवीर ने कौन सा तड़का लगाया। आराम से बैठिए, बातें बातें करेंगे, चाय वाय पीजिए, पकौड़े वकौड़े खाइए, साथ साथ बनाएंगे। अगेन स्वेट करना है, मतलब पसीना छुड़ाना है इसका, ट्रांसपेरेंट करना है इसको। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली टमाटर डालने से पहले प्याज पका लीजिएगा, क्योंकि एक बार टमाटर चला गया तो उसके बाद कुछ ना होता जी, फिर टमाटर का पानी लगेगा इसको और जो चीज़ जहाँ है वहीं रह जाएगी, ठीक है ना। अब बनाने जाते पनीर बटर मसाला, बन जाता पनीर कच्चा मसाला, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। बस मैं अक्सर कहता हूँ कि मिठाई में चाशनी और नॉर्थ इंडियन खाने में प्याज, जिसने समझ लिया उसको कुंजी मिल गई जी, वो खोल लेगा फिर खाने के ताले। अब ये दही मक्खन और मसाले डाल दिए, खासतौर जो इसके अंदर का धनिया है ना उसका पकना बहुत ज़रूरी है, और वो बटर के साथ प्याज को एकदम मोहब्बत करनी बहुत ज़रूरी है।
अब ये कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो है वो ऑप्शनल है बट एक अच्छी स्मोकीनेस देती है। ये गए हमारे 18 काजू, होल 18 काजू। अगर आप 1/2 कर रहे हैं तो 36। ऐसे नहीं बोला कि रणवीर ने गिनती बोली थी, थोड़ा ना बोला था कि काजू साबुत यूज़ करने हैं कि बीच से फाड़ के। इस डिश का कॉर्नर स्टोन जो है वो इसकी रिचनेस है। ये लीजिए, डन। नमक, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर और, क्यों? रंग के लिए। टमाटर को थोड़ा भूनेंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो रवा हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगा के पका लेंगे थोड़ा पानी डाल के। अभी इसके अंदर पानी डालना है, पानी कितना कि बस टमाटर जो है वो ढक भर जाए, बीच बीच में से झांकें लेकिन ढक भर जाए। आइए ये नज़दीक आके देख लीजिए पानी कितना डाला, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए झांक रहे हैं ना बीच बीच में से, लेकिन ढके हुए हैं बस। ये लो जी, और इस पनीर को हल्का सा नमक डाल के मैं थोड़े गुनगुने पानी में छोड़ देता हूँ, वार्म सॉल्टेड वाटर, ताकि पनीर जो है वो नरम हो जाए, क्योंकि पनीर को फ्राई नहीं करना है इसमें, लेकिन एक जूसीनेस और फ्रेशनेस चाहिए ना। 10 से 12 मिनट पकाना है, मेरा चूल्हा बड़ा है इसलिए मैं 10 मिनट पका रहा हूँ, आप 12 से 15 मिनट भी पका सकते हैं। टमाटर जो है वो गल जाना चाहिए, बीच में चाहे तो टमाटर को मैश कर लीजिए, हाँ तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए अब यही पता लग गया था कि आपके मसाले का फ्यूचर क्या है। देखिए हालांकि आपने इसमें टोमेटो बॉयल किया है लेकिन तेल अभी भी ऊपर आ रहा है, एक लाली जो है वो इसमें दिख रही है। ये सिर्फ बॉयल्ड टोमेटो एंड अनियन नहीं है, ओके। द बेस ऑफ अ पनीर बटर मसाला और एनी ग्रेवी इज़ नॉट बॉयल्ड अनियन एंड टोमेटो, उसको ट्रीट करना पड़ता है और यहाँ तक लाना पड़ता है, ठीक है जी। फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर ग्रेवी कभी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको लेना है पीस, पीसने से पहले जो जो खड़े मसाले आप निकाल सकते हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो ग्रेवी को काला करेंगे। अगर हैंड ब्लेंडर से पीस रहे हैं तो आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, बाद में तो वैसे भी रिड्यूस होना है और ये बहुत थिक हो जाएगा, ठीक है जी। एक ट्रिक और जो मैं किसी को नहीं बताता, जो हम लखनऊ वालों की ट्रिक है, कभी भी ग्रेवी को पीसते हैं तो उसके अंदर सिर्फ दो बूंद जो है वो केवड़ा डाल दिया, केवड़ा केवड़ा इत्र नहीं है ये, केवड़ा इत्र दो बूंद डालेंगे फिर तो पूरा घर महक जाएगा। ये केवड़ा जो बोतल वाला केवड़ा है ना, डाइल्यूटेड केवड़ा, वो डाला है दो बूंद। उससे क्या होता है वो केवड़े का टेस्ट तो नहीं आएगा लेकिन जो खड़े मसालों की जो खुशबू है और ग्रेवी की जो बॉडी है वो बढ़ जाएगी। लोगों को समझ नहीं आएगा इसमें क्या पड़ा है, लेकिन लोग यार कुछ तो है। अच्छे से पीसना है इसको, बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लेना, जितना बारीक आप पीस सकते हैं, स्पेशली बिकॉज काजू है और अगर काजू का गाढ़ापन चाहिए तो यही मौका है, अगर काजू की रिचनेस चाहिए तो यही मौका है। यहाँ पर अगर आपने सही से नहीं पीसा तो फिर मज़ा नहीं आएगा और फिर आप कह नहीं सकते, हाँ बताया था मैंने। अब वो करना है जो हर बड़े से बड़ा शेफ अपनी ज़िंदगी में करता है, ग्रेवी छाननी है। कोई भी हो जी, शुरुआत यहीं से होती है, इंडियन किचन में शुरुआत यहीं से होती है, ग्रेवी छानने से। आप बड़े थुर्रमखा भले बन जाएं लेकिन सबको पता है कि सब एक दिन ऐसे जाली के ऊपर बैठ के ग्रेवी छान रहे होते थे। ये होगी ग्रेवी तैयार, ठीक है जी। हल्की सी केवड़े की खुशबू है बट पता नहीं चल रहा, जब पकाएंगे तो वैसे भी वो अंदर घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा, वो हमारा चीट है और सीक्रेट है। अब इसको करना है फिनिश। तो अक्सर लोग जो हैं वो बोलते हैं कि बस ये ग्रेवी बन गई, इसे गर्म कीजिए, ऊपर कसूरी मेथी डालिए, हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएशन है हमारे बटर मसाले में और दुनिया के बटर मसाले। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं बटर के अंदर और उसके अंदर ये ग्रेवी फिनिश करते हैं। तो एक तो ये है कि पनीर मखनी में और पनीर बटर मसाले में क्या फ़र्क है, मसाले का फ़र्क है। पनीर बटर मसाले में एक बटर मसाला बनता है, यानी कि प्याज टमाटर को भुना जाता है बटर के अंदर और उस मसाले के साथ में ये ग्रेवी दोबारा फिनिश करी जाती है, तब उसको पनीर बटर मसाला कहते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और ये हमको हमारे उस्तादों ने लखनऊ में सिखा दिया था कि देखो पनीर मखनी नहीं है जो ऐसे ही दे दोगे, पनीर बटर मसाला है, मतलब एक तड़का और मारना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब समझ गए ना आप डिफरेंस, वो जो पनीर मखनी बोल के पनीर बटर मसाला बेचते हैं वो अब नहीं।
काजू है ना तो वो गाढ़ा करेगा, तो इसलिए पानी लगभग आधा कप डाला मैंने। तो जी इसको 10-15 मिनट पकाना है। एक तो इसके फ्लेवर सारे थोड़े बैलेंस हो जाएंगे वापस से, जो हमने पीस के बिखेर दिए थे। दूसरा इसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, बिकॉज काजू की जो सिल्कीनेस है, जो स्मूथनेस है, जो चमक है ना, वो आ जाएगी। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है जी। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खट्टा मीठा तीखा, खटास टमाटर की और दही की, मिठास प्याज की, शहद की या शक्कर की, और तीखापन हमने वैसे ही ठोक के देगी मिर्च डाली हुई है। अभी बस लास्ट में थोड़ा बटर डाल के इसको कर देना फिनिश। ये देखिए, बटर डालने से जो शाइन, जो ग्लेज, जो फिनिश आई है वो क्रीम से नहीं आएगी। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार, और हमारी पटाका रेसिपी जो है ना, पटाका पंजाबी में कहते हैं एंड पटाका, पटाका रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में डालना है थोड़ा सा कसूरी मेथी को, हाथ में ऐसे मैश कर लें और ऐसे डाल लें। देखिए वो पनीर और ये पनीर में फ़र्क देखिए, लग रहा है ना एकदम फ्रेश फ्रेश। एंड हियर वी गो। तो जी नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये दिल्ली केंद्र है, और लंदन तक ये खबर जा चुकी है कि पनीर बटर मसाला बन चुका है। तो जी अगर अब तक इसके अंदर क्रीम नहीं डाली तो अब क्रीम क्यों डालें। ये फिटा हुआ दही है, ज्यादा खट्टा ना हो। धनिये को पूरी इज्जत देनी है, धनिये के टाइम देखो मेरा फोकस। वैसे रणवीर बोलता रहता है खाना बनाते टाइम, धनिया डालते टाइम ना ऐसे शांत हो जाता है, ऐसे पता नहीं बेइज्जती नहीं होनी चाहिए धनिये की, मतलब दोस्त की बेइज्जती ना हो जाए कहीं है। और आप मेरी बेइज्जती मत करवाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में मैं रेसिपी कहाँ समझाता हूँ, इतनी डिटेल में इतनी बारीकियों के साथ समझाई है। बनाइएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो जी खाते हैं।